हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। मैंने ब्राइडल पायल ऑर्डर किया है क्योंकि ना मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किया था एक ब्राइडल पायल, वो टूट गया था और मुझे इतना पसंद था ना वो, तो फिर मैंने वही सेम पायल दोबारा से ऑर्डर कर लिया और मंगवा लिया वो पायल। पायल काफ़ी खूबसूरत था। मेरे सब्सक्राइबर ने जो दिया था वो पायल, वो था 499 रुपीज़ का सेम पायल, और वही पायल मैंने मंगवाया 379 रुपीज़ में, क्योंकि अभी शायद ऑफ़र चल रहा है -81%, तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल गया। और पैकेजिंग तो आपने देख ली कि कैसी है, यहाँ पर स्लिप भी मुझे मिला हुआ है, रेटिंग है, रेटिंग भी अच्छा खासा ही है इसका। प्राइस 379 रुपीज़। और इस तरीके के बॉक्स में मुझे मिला है ये पायल, लेग ब्रासलेट फॉर गर्ल्स वीमेन एंकलेट पायल, वीमेन स्काई ट्रेडिशनल कुंडन पर्ल स्टोन गोल्ड प्लेटेड पायल। ये देखो, खोल रही हूँ, खोल के फिर उसके बाद फिर मैं पहन करके भी दिखाऊंगी। पर अफसोस, जब मैं इसको पहनती हूँ ना, इतना ये कमज़ोर पायल है ना कि मैं क्या बताऊँ। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा बिल्कुल भी ना करें, और ये जितना फैशनेबल दिख रहा है ना पायल, तो गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी टूटने वाला है, क्योंकि मैं पहन रही थी ना उसी टाइम ये टूट गया। और जहाँ पे मेरा पहले जो पायल टूटा हुआ था ना, वीडियो बनाने के चक्कर में टूट गया था, मेरे सब्सक्राइबर ने, मतलब क्या बोलूँ मैं, कस्टम वीडियो बनाना था, ऐसा मैंने वीडियो ही बनाया ना कि वो पायल बनाते बनाते टूट गया। फिर मैंने दूसरा ऑर्डर तो कर लिया, बट ये अभी वीडियो बनाने टाइम टूट गया। देख लो, चलो पहन करके दिखा देती हूँ। डिज़ाइन तो आप लोग देख लो कि कितना प्यारा डिज़ाइन है। आप अच्छा वाला लेना, और ये जो अंगूठा में फंसाने वाला है ना, आप अंगूठा में या फिर अंगूठा के बगल वाले में भी इसको फंसा करके और पहन सकते हैं, बिछिया की तरह। तो मेरा बिछिया तो खुल भी नहीं रहा था, मैंने जो बिछिया पहना है ना वो नहीं खुल रहा था, तो मैं उसी के ऊपर फिर मैंने वियर कर लिया था। ये देखो, इसमें इसका प्राइस दिया हुआ है, शिपिंग चार्ज भी लगा है ना, 419 कुछ रुपीस लिखा हुआ था, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। हाँ, 499 रुपीस शिपिंग चार्ज सब कुछ ले करके, कम नहीं है यार। मैंने 499 रुपीस में ये पायल ख़रीदा है, जबकि मोबाइल में दिखा रहा 379 रुपीज़ का ये पायल है। और यदि ये पायल आप लोग को लेना भी होगा ना, तो आप लोग मीशो से ले लेना, मीशो पे आपको कम बजट में मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा। और ये तो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। मैं ये बिछिया खोलने का कोशिश कर रही थी, बट ये खुला ही नहीं, मेरी मम्मी ये बिछिया मुझे पहना दी थी, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये पायल मुझे इतना पसंद है ना, क्या बताऊँ, लेकिन टूट गया, दोबारा मंगवाया, ये भी टूट गया पहनने में ही। वैसे ना, जिन लोगों का पैर का साइज़ छोटा है ना, तो उन लोगों के पैरों में ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। मेरा तो पैर का साइज ही बहुत बड़ा है, देख ही रहे हो आप लोग, इसमें शक कोई भी नहीं है। मेरे पैरों का साइज़ लंबा है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन जिन लोगों का पैरों का साइज़ छोटा है ना, तो लोग सही से पहन पाएंगे ये पायल, टूटेगा नहीं, अच्छा से आप इसको पहन सकते हैं। मुझे रिकॉर्डिंग करते करते प्यास लग जाती है। मैं वीडियो तो बना के रख लेती हूँ, लेकिन जब एडिटिंग रिकॉर्डिंग करना रहता ना, तो सोचते रहते कब गाना बंद होगा कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ स्टार्ट, बहुत मुश्किल होता है। ये भी छीन निकल ही नहीं रहता, क्योंकि ना इसी उंगली पे गिर गया था बड़ा वाला बोतल पानी से भरा हुआ, और जख्म हो गया था ना, तो बिछिया नहीं निकल रहा था, मुझे दर्द भी करने लगा था। फिर मैं इसको पीछे की ओर मतलब कर रही हूँ, बट फिर पीछे की ओर भी नहीं हो रहा था, पूरा एकदम जैसे ना फंस गया था वहीं पे, और बहुत दर्द कर रहा था। उसी बिछिया के ऊपर मैंने पहन भी लिया।
ये ब्राइडल लोग ये पायल पहनेंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन ब्राइडल लोग तो ऐसे अक्सर चांदी का ही पायल पहनती हैं, आर्टिफिशियल नहीं पहनती। लेकिन यदि आर्टिफिशियल भी आप चांदी का भी ऐसा पायल बनवा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। आप तो दिखाओगे ऐसा डिज़ाइन तो वहाँ पे भी बन ही जाएगा। ये देखो यहीं पे निकल गया, अच्छे से सटा हुआ नहीं था ये, इसको तो मैं अभी पहनी भी नहीं थी, और ये अच्छे से चिपका हुआ नहीं था और ये निकल गया। बट फिर भी मैं इसको दिखा दे रही हूँ दोनों पैरों में अच्छे से करके, या ये तो फेविक्विक से चिपक जाना चाहिए। तो मेरे पास तो है ही ऑलरेडी एक और पायल है, सेम टू सेम है, वो भी बहुत अच्छा है, सेम ऐसा ही है। और मैंने ये वाली साड़ी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे दी थी ना, तो अनबॉक्सिंग का मैंने वीडियो बनाया था, तो उसी दिन मैंने पायल भी अनबॉक्सिंग कर लिया था। तो जिस टॉप के साथ मैंने साड़ी भी वियर की हुई थी वैसे पता नहीं चल रहा है कि मैंने जींस टॉप वियर किया हुआ है। मैं भी काम चला लेती हूँ। ये पायल सही में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले जो मैंने पायल मंगाया था ना वो 500 का था, वैसे इसमें भी तो लग ही गया 499 रुपीज़, तो लगभग तो उतना ही लग गया। मेरे पैरों में आते ही इसकी शोभा बढ़ गई इस पायल की, है ना। ग्रीन ग्रीन साड़ी, ग्रीन ग्रीन नेल पेंट, और ये खूबसूरत सा ब्राइडल पायल, बहुत ही कमाल का ये पायल है। ये साड़ी जो मैंने वियर किया है ना, ये भी साड़ी भी बहुत ही अच्छा है। अब हमें तो बहुत सारे वीडियोस बनाने रहते हैं, और वैसे तो सब्सक्राइबर्स इतने अच्छे हैं कि दे ही देते हैं। पायल भी उन्होंने गिफ्ट किया था, सेम ये वाला पायल गिफ्ट किया था, तो वो टूट गया था, तो मैंने दोबारा से ऑर्डर कर लिया क्योंकि मुझे ये पायल काफ़ी पसंद आया था। पर ये भी टूट गया अभी, मतलब ये अच्छा से चिपका हुआ नहीं था इसलिए ये निकल गया। वैसे जिन लोगों का पैर छोटा रहेगा ना, उन लोगों का पैर पूरा अच्छे से मतलब सुंदर लगेगा उस पर। मेरा पैर तो काफ़ी लंबा है ना, तो पहनने में ही टूट जाता है, खिंचाव ज़्यादा हो जाता है, देख ही सकते हो। इसमें वाइट कलर का और गोल्डन कलर का मोती लगा हुआ है, स्टोन है, सिल्वर कलर का स्टोन है, काफ़ी अच्छा पायल है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 लरी से इसमें मोती डाला हुआ है दोनों तरफ से। यदि ब्राइडल ऐसा पायल पहनेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, पैरों में मेहंदी लगी हुई होगी, आलता लगा हुआ होगा, और साथ में ये पायल, और ड्रेस भी वैसा ही दुल्हन वाला, तो काफ़ी प्यारा लगेगा। बट मैं तो सिर्फ अनबॉक्सिंग करके दिखा रही थी, जो लोग ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद सकते हैं, ख़राब नहीं है, अच्छा है। बस यही है कि थोड़ा सा मेरा पैर लंबा है इसलिए पहनने में ही वो थोड़ा सा ऐसे हो गया प्रॉब्लम, तो मैंने तो इसको रिटर्न कर दिया। मैंने मंगाया और उसी दिन वीडियो भी बनाया, और मतलब पहनने के पहले ही वो टूट गया, तो फिर मैंने रिटर्न कर दिया। इतना कमज़ोर चीज़ मैं नहीं रखूँगी। मैं मोबाइल में दिखा देती हूँ इसका इमेज भी, दूर से नहीं पता चल रहा होगा, सामने से दिखा देती हूँ। ये देखो उसका नेल्स काफ़ी छोटा छोटा है ना इमेज में, मेरे तो काफ़ी लंबे हैं। इसमें 307 रुपीज़ लिखा है, बट उतना में है नहीं फ्रेंड्स, मुझे जब मिला 499 रुपीज़ में। तो कम दाम वाला लोगे तो यही दिक्कत होगा ना कुछ डिफेक्टिव ज़रूर मिलेगा आपको, इसलिए कम दाम के चक्कर में मत रहना। लेना है तो आप पैसा अच्छा लगाओ, अच्छा सामान लो। इस पायल को मैं वैसे ही डाल दे रही हूँ जैसे मुझे मिला था, क्योंकि मुझे करना है रिटर्न। वैसे ये पायल जहाँ पे टूटा था वैसे ही टूटा हुआ तो मेरे पास भी है, तो फिर मैं क्यों रखूँगी इसको।
ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। ऐसा कुछ कुछ सामान आ जाता है कभी कभी, डिफेक्टिव कुछ हो जाता है तो रिटर्न भी कर ही देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये पायल ऑलरेडी है मेरे पास, किसी को वीडियो बनवाना हो तो ज़रूर बोलिएगा, ठीक है, इस पायल के साथ।